हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में सारे आपके एक एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि टोटल लगभग आपके 16 से 20 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले इस बार आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन जितने आपको मैं बताने वाला हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप वीडियो के साथ साथ मेरे साथ साथ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको दोबारा उसकी रिविजन करने की जरूरत ना पड़े। अभी आपके पास लगभग 6 से 7 दिन का समय है आपके एग्जाम के लिए। तो एग्जाम से पहले पहले आप इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको लगभग जो आपके लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न जो आने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी से जल्दी आप लोगों को दे दूंगा। पहले आप ये वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूंगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कितने कितने नंबर के आने वाले हैं और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ले चलता हूँ सीधा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक जो सिलेबस आपका आता है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से, वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये यूनिट वाइज यानी चैप्टर्स को आपकी यूनिट में बांट रखा है। तो टोटल आपकी 5 यूनिट बना रखी है पूरी बुक को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2022 से इसका है बायोलॉजी क्लास 11 थ्योरी दे रखा है। समय आपका 3 घंटा रहेगा और टोटल 70 मार्क्स यानी 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स आपका 7 नंबर का, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स 12 नंबर। और कई बच्चे यहाँ पे बिल्कुल अभी टेंशन में आ गए होंगे कि सर ये तो इंग्लिश में बता रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंग्लिश में होंगे। बट नहीं, जो सारे क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हैं। थर्ड जो है यूनिट इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 4 नंबर है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। 18 मार्क्स का सबसे ज्यादा मार्क्स आपके यहाँ पे। और लास्ट वाली यूनिट जो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, टोटल यानी सबसे ज्यादा मार्क्स 38 नंबर यहाँ पे आपको 4th और 5th से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपका 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका हाफ ईयरली में भी और मेन जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कहाँ से आपके ज्यादा आने वाले हैं। तो मेन देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अभी जो हाफ ईयरली में देखने को मिलेंगे इन लगभग 7 से 8 चैप्टर का देखने को मिलेगा, 7 से 8 पार्ट तक का। तो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। अति लघु देखो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव देखो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू एक ही, तो एमसीक्यू आ जाएंगे और उसके बाद आ जाएगा अति लघु, ठीक है। अति लघु प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो दोनों क्वेश्चन आएंगे ये लगभग आपके 16 से 20 नंबर के बीच बीच आपको ये देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना। और खास करके जिन क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होगा उन क्वेश्चन को आपने मतलब बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट ही है, तो उनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका कैरोलस लिनियस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर है वर्गस किसे कहते हैं, वर्गीकरण के प्रत्येक इकाई को वर्गस कहते हैं, जैसे जाति वंश कुल गण वर्ग संघ आदि, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जॉन रे ने किया सर्वप्रथम इसका उपयोग। 4th नंबर आपका वर्गीकरण की मूलभूत सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जाति यानी स्पीसीज, ठीक है। क्लियर, आपके 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अब तक याद कर लिए होंगे। एक बार इसका आप रिपीट जरूर कर लेना जैसे ही कहीं पर मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की, तो कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की। ICZN तथा ICBN का पूरा नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा पहले वाले का ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमोक्लेचर। सेकंड वाला है ICBN, इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमोक्लेचर, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक दो देखने को मिल सकते हैं, बट ज्यादा आपने इन पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट आपका है 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसमें है प्रजनन आयोग, नेक्स्ट पेज पर आ गए। इसमें जैसे कहा है क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी आप देख रहे थे, प्रजनन आयोग संकर प्रणालियों को जाति क्यों नहीं कह सकते हैं, तो इसका क्या कारण है, अयोग्य होने के कारण ही इनको मतलब ये अयोग्य होते हैं,
ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका कि अयोग्य होते हैं, इसी कारण हम इसको क्या नहीं कह सकते, जाति नहीं कह सकते। क्लियर है? आपके लगभग ये 8 से 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, हिस्टोरियस प्लांटेरम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके पुस्तक के जो लेखक का नाम है वो है थियोफ्रेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिस्टमा नेचुरी के लेखक का नाम लिखिए, तो इसका है कैरोलस लीनियस। आपने ज्यादातर 2-3 बार अभी तक ये नाम सुन लिया होगा, देख लिया होगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये नाम, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। सिस्टमा नेचुरी कौन है? कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आपका टिक मार्क वालों में भी आ सकता है और अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लगभग आपके 15 पेज है और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके कम से कम 15 नंबर आपके इसी के अंदर अंदर कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो जो जहां इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, पढ़ता हूँ इसको मैं, इसमें लिखा है वर्गीकरण की 5 जगत प्रणालियां किसने प्रस्तावित की हैं? तो R.H. वेटकर ने। क्लियर है? वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने प्रस्तुत की हैं? तो R.H. वेटकर ने प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट है, जीव धारियों को किन 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है? तो मोनोरा, प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। ये 5 नाम आपने याद करने हैं, आपके इंटर में भी ये काम आने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मोनेरा को परिभाषित कीजिए। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारी मोनेरा कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको, किनको? शैवाल को। इसी तरह आदि और भी मतलब इस तरह के बहुत से देखने को आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जंतु उपभोक्ता क्यों कहलाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, जंतु उपभोक्ता क्यों कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा काय, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधों से प्राप्त करते, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, 3 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 3 जगत, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हीकल है। 1886 में इन्होंने जीवधारियों को प्लांटी, एनिमिलिया तथा प्रोटिस्टा जगत में वर्गीकृत किया था। ये याद रखना, 1886 में वर्गीकृत किया था। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो विषाणु की सर्वप्रथम खोज 1892 में किसने की? इवानोवस्की। किसने की बच्चों? इवानोवस्की ने। कब की? 1892 में की। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बस आप लोग इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अब हो सकता है कि इसमें से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, मान लो जैसे मैंने कहा कि आपके 15 मार्क्स, तो हो सकता है 10 मिले, बट आपके फाइनल में भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, तो अभी इनको आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्जाम बाकी है। तो नेक्स्ट है आपका, यूग्लिना तथा पैरामीशियम के प्रजनन अंग क्या होते हैं? तो इसको आप नहीं करेंगे, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आपका, शैवालांश तथा कवकांश शब्द से क्या तात्पर्य है? लाइकेन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने पहले से लिख दिया, लाइकेन के शैवाल घटकों के घटकों को शैवालांश तथा लाइकेन के कवक घटकों को कवकांश कहते हैं। ठीक है, लाइकेन के शैवाल घटकों को शैवालांश और लाइकेन के कवक घटकों को कवकांश कहते हैं। ठीक है, ये पहला वर्ड दोनों में सेम है, उसके बाद फिर शैवाल और यहाँ पे कवक, बस ये 2 वर्ड आपको भिन्न भिन्न देखने को मिल रहे हैं अलग अलग, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन, प्रोटिस्टा को परिभाषित कीजिए। तो सुकेंद्रीय एक कोश के जीव को जीवों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटिस्टा कहलाता है। वायरोइड क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की? तो वायरोइड एक रज्जु की आरएनए के छोटे अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन का आवरण होता है, आवरण का अभाव होता है। इनकी खोज टीओ डाइनर ने की। सिर्फ आप यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा, टीओ डाइनर खोज करते हैं किसके? वायरोइड की। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स क्या होता है, ये संक्रामक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट जो आपका है, ड्यूटेरोमाइसेट्स को फंगाइस इम्परफेक्टाइज क्यों कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो है ड्यूटेरोमाइसेट्स। माइसेट्स में लिंगी जनन नहीं होता है, इस कारण इन्हें फंगाइज इम्परफेक्टाइज कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऊपर का क्लियर कर देता हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपसे, जैसा देख पा रहे हैं इसमें कहा है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है वी भ्रमी औषधि LSD किससे प्राप्त होती है? तो यह है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, नाम थोड़े अजीबोगरीब देखने को मिलेंगे क्योंकि जो बच्चे अभी इसमें विजिट किए हैं जिन्होंने 11th में
अभी बायो पढ़ना शुरू किए, तो उनको बहुत ही थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ये सब नाम और इनको पढ़ना, तो अभी हैबिट हो जाएगी। अभी आप 12th में जाकर के देखेंगे कितने अजीबोगरीब नाम देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आभासी मृदुत की संरचना वाले दो शैवालों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा पॉलिसाइफोनिया, दूसरा है नेमिलियॉन। ठीक है, जितना यहाँ आपको लग रहा हो कि बहुत टिपिकल वर्ड है, बट अगर आप डॉक्टर लाइन में जाएंगे, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि क्या ही क्या देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो अभी से हैबिट डाल लो कि इस तरह के नामों को पढ़ने की। लाल शैवाल के लाल रंग के लिए कौन सा वर्ण उत्तरदायी होता है? तो फाइको एरिथ्रिन होता है। कौन होता है उत्तरदायी? फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट आया का भूरे शैवालों का रंग किस वर्णक के फलस्वरूप प्रतीत होता है? तो फ्यूको जैंथिन तथा जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है, यानी इस कारण क्या होता है इनका, भूरे शैवालों का रंग किस वर्णक के फलस्वरूप प्रतीत होता है, रंग किसका कारण क्या है? फ्लोकोजेंथिन तथा जैंथोफिल, ये दो वर्णक का वर्णक मतलब होता है रंग। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आई होप बच्चों ये आप याद कर लेंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3rd तक आपने वहां देख लिया, और चैप्टर वाइज आपके लगभग 7 से 8 चैप्टर मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं, तो ये सारे आपके हाफ लिखे अकॉर्डिंग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूरे शैवालों में संचालित भोज्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो स्टॉर्च और कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। फिर है लाल शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? फ्लोरोडियम स्टॉर्च होता है। किन पौधों में वाहिकाओं तथा सह कोशिकाओं का अभाव होता है? तो जिम्नोस्पर्मों में इनका अभाव होता है। सबसे बड़े बायो ब्रायोफाइटा का नाम लिखना है, तो डाउसोनिया, ये लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। सबसे बड़ा क्या है? ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है। ठीक है, यहाँ पे सोनिया गांधी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, डाउसोनिया। पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं? तो बायोफाइट्स क्या कहलाते हैं? पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्लियर है इतना? देखो क्वेश्चन जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप चाहो तो इसको याद कर सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो एक बार आप सोते टाइम इसको चला करके वीडियो को रख सकते हैं, आपको नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका कवक मूल की क्या विशेषता है? तो कवक मूल अनेक अनावृत बीजी पौधे की कवकों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे हुआ? तो आदिकाल के विशालकाय हॉर्सटेल्स, क्लब मॉन्स आदि दलदली वनस्पतियों से किसका निर्माण हुआ? जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एगार एगार नामक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो जिलीडियम और ग्रैसिलेरिया, इनसे क्या होता है? एगार एगार नामक पदार्थ का निर्माण होता है या प्राप्त होता है, जिलीडियम हो गया और ग्रैसिलेरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ नीचे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 पर, हम तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मृदा निर्माण में कौन सा ब्रायोफाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका संवहन क्रिप्टोगेम्स किन पौधों को कहते हैं? तो टेरिडोफाइट्स को आप क्या कहते हैं? संवहन क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जलीय फर्न के दो उदाहरण है, तो जलीय फर्न कौन सा है? एजोला और साल्विनिया। ठीक हो गया, द्विनिषेचन तथा त्रिकसल्यन किस समूह के पौधों की विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म की क्या है ये विशेषता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आपने ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, खास करके आप अति लघु और टिक मार्क नहीं छोड़ करके आने वाले हैं। इसमें देखो फर्स्ट वाले को हम छोड़ते हैं, सेकंड वाले पे है दंस दंस कोशिकाएं न्यूडोसाइट्स किस संघ के सदस्यों की विशेषता है? तो इसका जो आंसर है वह है सिलेंट ट्रेंटो संघ के सदस्यों की है। दो पाद विहीन उभयचरों के नाम लिखने हैं, तो इसका हो जाएगा इक्यूत इक्थियोफिस और दूसरा हो जाएगा यूरियो टिफ्लस। ठीक है, दो पुष्पयुक्त उभयचरों के नाम लिखने हैं यहाँ पे, तो एक हो जाएगा आपका सेलामेंड्रा और दूसरा हो जाएगा नेक्ट्यूरियस। ठीक है, सेलामेंड्रा और नेक्ट्यूरियस। क्लियर है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखो क्या कहा है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, काफी छोटा साइज आ चुका है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन इसी पेज पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें संघ एनलीडर तथा कीटों में उत्सर्जन क्या होते हैं? तो पहला है इसमें वृक्क,
है, एनलिडा संघ में वृकक तथा कीटों में मेल्पी घी नलिकाएं उत्सर्जन होती हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज्वाला किस संघ में पाई जाती है। ठीक है, तो ज्वाला किस संघ में पाई जाती है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, संघ किस में है, प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, क्या देख पा रहे हैं आप, प्लेटी हेलमिंथीज। और आगे लिखा है ये उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन तथा शरीर में जल संतुलन का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका कूटगोहिक जंतु किस संघ के सदस्य होते हैं, तो एस्केल्मिंथीज संघ के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, उभयलिंगी द्विलिंगी जंतु के दो उदाहरण देने हैं, तो इनके दो उदाहरण देख लोगे आप। पहला है आपका केचुआ और दूसरा है जोंक, और केचुआ का जो नाम है वह है फेरेटिमा और जोंक का जो नाम है हेरोडिनोरिया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोशिकाएं किस संघ की विशेषताएं हैं, तो संघ पोरीफेरा की है। नेक्स्ट आपका भारतीय केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा। ठीक है, क्या नाम है, फेरिटिमा पोस्थुमा। ऊपर हमने अभी देखो यहाँ केचुआ का लिखा है, तो यहाँ पे हमने केचुआ का नाम पढ़ लिया था फेरिटिमा, और भारतीय केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेरिटिमा पोस्थुमा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका खुला रक्त संचरण परिसंचरण किस संघ के सदस्यों में पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण, तो यह है ऑर्थोपेडा व मोलस्का संघ के सदस्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडे देने वाले स्तनी को किस उपवर्ग में रखा जाता है, तो प्रोटोथीरिया उपवर्ग में इनको रखा जाता है, किनको, अंडे देने वाले स्तनी को। नेक्स्ट आपका अविकसित शिशु को जन्म देने के पश्चात जिस थैली में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं। जब अविकसित शिशु को जन्म देने के पश्चात जिस थैली में रखा जाता है उसे कहते हैं मार्सुपियम कहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है दो पोषी उभयचर के नाम बताइए, तो ये भी हम थोड़ी देर पहले भी इनको पढ़ चुके हैं, पहला है आपका सेलामेंड्रा और दूसरा है नेक्टुरियस। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 को आपने छोड़ देना है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है हेमोसिल से, अब ये देखो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हेमोसिल का क्या तात्पर्य, यह किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है, तो हेमोसिल क्या होता है, ऑर्थोपोडा तथा मोलस्का संघ के प्राणियों में देह गुदा सॉरी देह गुहा पृष्ठ तथा अदर डायफॉर्म तथा द्वारा विभाजित होकर क्रमशः पेरिकार्डियल साइनस हिमोसिल तथा पेरिन्यूरल साइनस में बढ़ जाती है। हिमोसिल में भरे तरल को हिमोलिम्फ कहते हैं, इसमें आंतरिक अंग पड़े होते हैं। क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका वह है द्विलिंगी जंतु का एक उदाहरण दीजिए बोला है, तो द्विअंगी जंतु का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, एक केचुआ द्विअंगी होता है और जोंक। क्लियर, फिर जंतु उपभोक्ता क्यों नहीं कहलाते, तो ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है निद्रा रोग। क्लियर, एक बार देख लेते हैं इसको, जरा सम कर लेते हैं बैक स्पेस, और अभी हमें अभी आपके लगभग 4 से 5 पेज और बचे हुए हैं, तो उनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे बाहर से देख करके गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ जितने शॉर्ट में आपको निपटा सकूँ इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे त्रिज्या सममिति किसे कहते हैं, तो जब पुष्प को किसी भी मध्य लंब अक्ष द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जा सके, तो इस प्रकार की सममिति को त्रिज्या सममिति कहते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसको आपने नहीं देखना है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सरसों में पुंकेसर किस प्रकार के होते हैं, तो सरसों में पुंकेसर किस प्रकार के होते हैं, चतुर्दीर्घी होते हैं, यानी 4 लंबे तथा 2 छोटे होते हैं। गुड़हल में पुंकेसर किस प्रकार के होते हैं, तो एक संघी होते हैं गुड़हल में, और सभी पुंकेसर के पुंतंतु परस्पर मिलकर पुंकेसरीय नाल बनाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे आपने बताना है एक संघी होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसको आपने छोड़ देना है 5 को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी जड़े किन पौधों में पाई जाती हैं, तो उदाहरण देना, तो सिंघाड़ा तथा गिलोय में पाई जाती है, क्या, प्रकाश संश्लेषी जड़े। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब लिली एसी कुल का पुष्प सूत्र लिखना है, तो किसका, लिली एसी, तो यहाँ पे एसी से आप इसको याद रख सकते हैं, इसका जो सूत्र है यहाँ पे आप देख रहे हैं Br। क्लियर है, और यहाँ पे आपको प्लस, फिर ये साइन आप यहाँ पे देख लेंगे, फिर पी ब्रैकेट में आपका 3 + 3, फिर आपका A3 + 3, फिर G3 है। ठीक है, एक बार आप चाहे तो इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरे को आपने अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला।
इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और है, लीची किस प्रकार का फल है, फल खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची सरल शुष्क अस्फुटनशील नट फल है। ठीक है, इसका गुदेदार एरिल खाने योग्य होता है, क्या खाने योग्य होता है? एरिल खाने योग्य होता है, और यह कैसा है? सरल शुष्क अस्फुटनशील नट फल है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेरिडर्म के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो इसके अंतर्गत फेलम, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, फिर एधा, कॉर्क एधा तथा फेलोडर्म इसके अंदर आते हैं। उस पौधे का नाम लिखिए जिसके तने में उभय फ्लोएमी समहन सॉरी पुल पाए जाते हैं। तो कुकुरबिटा है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? उभय फ्लोएमी समहन पुल पाए जाते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, उस जीवित ऊतक का नाम बताइए जो प्रमुखता शाकीय पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आपने हाथों हाथ याद करते जाना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। उस पौधे, भले आप वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेना, उस पौधे का नाम बताइए जिसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। तो साइकस है जिसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य है, यहाँ पे उसका कार्य बताना है। किसका? फ्लोएम ऊतक का। तो फ्लोएम ऊतक का जो कार्य है बच्चों, वो देख पा रहे होंगे आप, फ्लोएम पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों का पौधों में वितरण करता है, यानी पौधों में वितरण करता है किसका? खाद्य पदार्थों का। फिर अगला, पार्श्व विभाज्य ऊतक का एक उदाहरण देना है। तो कॉर्क कैम्बियम तथा संवाहक कैम्बियम क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो एक उदाहरण देना था, तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना तथा कार्य समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ऊतक जो क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा पेज कम कर लेते हैं बड़ा, ताकि आप अच्छे से देख पाए। क्लियर, और आई होप कि आप सारे ये क्वेश्चन याद करके जाने वाले हैं एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, इतना आप पर भरोसा करता हूं मैं। क्योंकि अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो आप भी इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। इसमें कहा है, केचुओं में उत्सर्जन किन संरचनाओं द्वारा होता है? तो यहाँ पे ब्रेकअप है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको खुला प्रसंस्करण किसे कहते हैं? तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो भी आप इसको देखेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आपका, कंडरा किसे कहते हैं? वे रेखीय पेशियां जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं, कंडरा कहलाती हैं। वे रेखीय पेशियां जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, यानी पेशियों को अस्थियों से जोड़ना ही क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाली पेशियां क्या कहलाती है? तो स्नायु कहते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुओं में कोकून का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 5 आप देख भी रहोगे, देख पा रहे होंगे, केचुओं में कोकून का निर्माण किससे होता है? तो क्लाइटेलम होता है, क्लाइटेलम से होता है। फिर कीटों में श्वसन है तो कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं? तो श्वास नाल होता है। फिर रेखित पेशियां थकावट महसूस क्यों करती हैं? तो लैक्टिस अम्ल के कारण क्या होती है? लैक्टिस अम्ल जो होता है संचय हो जाता है, इसी कारण क्या होती है? थकावट महसूस होती है। रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। फिर लिम्फोसाइट्स का प्रमुख कार्य बताना है। तो लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिम्फोसाइट्स का प्रमुख कार्य, लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षी का निर्माण करके एवं रोगाणुओं का क्या करके? भक्षण करके शरीर को सुरक्षा, यानी रोगाणु जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं यानी खा जाते हैं। तो इसलिए ये हमारी क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट आपका, केचो में कितने प्रकार के विकल्प पाए जाते हैं? नाम बताने हैं। तो केचो में खास करके कितने? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है पटीय वृक्क, अध्यावरणीय वृक्क तथा ग्रसनीय वृक्क, 3 प्रकार के। इन तीनों को आपने नाम, तीनों नाम याद कर लेने हैं। अगला देख रहे होंगे आप, लाल रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, बस इतना आपने याद रखना है। अगला देख लेते हैं, तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण देना है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, सीधा सीधा आपने क्या लिख देना है? रक्त, और इसमें कुछ याद नहीं करना है। तरल संयोजी ऊतक क्या है? रक्त है। क्लियर हो गया बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा साइज में हम कर लेते हैं बड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर साइज थोड़ा छोटा रहता तो दिखने में प्रॉब्लम होती है बच्चों। फिर अगला, प्रोके
प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम्स में क्या भिन्नता है? तो सीधा सीधा जो अंतर है 7S प्रकार के तथा जो आपका प्रोकैरियोटिक है वो राइबोसोम सॉरी इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं तथा दूसरे में कितने होते हैं 80S प्रकार के, यानी पहले वाले में यानी जो आपका प्रोकैरियोटिक है इसमें आपका होता है 17S और जो यूकैरियोटिक है इसमें आपका होता है 80S। बस यही दोनों में अंतर आपने याद रखना है, क्लियर। अगला देख लेते हैं, इसमें कहा है ये जो आपका क्वेश्चन है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ें। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गुणसूत्र परिकल्पना, तो यहाँ पे सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया, ठीक है, यानी इस शब्द का उपयोग प्रथम किसने किया? वाल्डेयर ने किया। कब किया? 1888, 1888 आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुणसूत्र को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गुणसूत्र को सर्वप्रथम किसने देखा? स्टॉस बर्गर ने देखा। बर्गर नाम से आपने याद रखना है क्या? बर्गर आप जो खाते हैं इससे आपने नाम याद रखना है। सबसे पहले किसने देखा? 1875 में बर्गर ने देखा। कौन से बर्गर ने? स्टॉस बर्गर ने देखा, क्लियर। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है थाइलेकॉइड कहाँ पाए जाते हैं? थाइलेकॉइड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ग्रेना में पाए जाते हैं, हरित लवक के ग्रेना में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम्स में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? तो न्यूक्लियोसोम में 75 हिस्टोन, ठीक है, और 10.5 प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, अन्य प्रोटीन होती है, यानी 37.5% हिस्टोन और 10.5 अन्य प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस कोशिका का नाम लिखिए जिसमें श्वसन का क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो किसमें होता है? माइटोकांड्रिया में कंप्लीट होता है चक्र। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्लेडेन तथा स्वान ने इसको प्रस्तुत किया था। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टमाटर पकने पर लाल रंग का क्यों हो जाता है? तो टमाटर पकने पर लाल रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हरे लवक पकने पर वर्णी लवक में बदल जाते हैं, इसलिए टमाटर क्या हो जाता है। फिर आत्मघाती थैले किसे कहते हैं? आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को, गोल्जी काय को आप क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों के नाम बताने हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है। प्लाज्मोडेस्माटा का मुख्य कार्य क्या है? तो पादप कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन, प्लाज्मो यानी जो कोशिकाओं के मध्य आना जाना होता है, ठीक है, इधर से उधर आना जाना किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं, इसमें कहा है बच्चों कि सेंट्रोमियर द्वारा, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है? तो सेंट्रोमियर आपको बता देता हूँ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के क्रोमोटिट्स परस्पर सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं, या कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिट्स को ध्रुव की ओर ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपने याद रखना है सेंट्रोमियर क्या होते हैं, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट, आई थिंक लास्ट पेज है, इसको एक बार देख लेते हैं, और लास्ट पेज है आपका, इसमें सिर्फ आपके जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो वीडियो है वो हो जाएगी कंप्लीट। आई होप जितने क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हैं सारे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं, सहसोजी बंधन इनको आप याद नहीं करेंगे, छोड़ देना है। अगला जो क्वेश्चन है देख लूंगा आप, इसमें कहा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षारक तथा शर्करा अणु मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तथा न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फिर है ईएमडी बोल रहा हूँ, FMN तथा NAD का पूरा नाम लिखना है। तो FN क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और NAD निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये दोनों नाम आपने यहां से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन इसको आपने याद नहीं करना है, अगला है लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विलहेम फ्लूड ने किया। कब किया? 1943 में किया, याद कर लेना आपने यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपने याद कर लेना है, मोनोसैकेराइड्स परस्पर ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़कर ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। अनिवार्य वसा हम लोग के दो उदाहरण, पहला है आपका लिनोलिक तथा दूसरा है लिनोलेनिक, ठीक है, इन दोनों को आपने याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन,
आईयूबी का पूरा नाम लिखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आपके पूरे इस वीडियो का, तो आईयूबी का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय जैव रसायन है रसायनज्ञ संघ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपके एक एक नंबर वाले हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरी वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। आशा करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करना। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।